जयपुर रोड से सेंट्रल बैंक में शुक्रवार को केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सावनलाल जाट ने एटीएम कार्ड का अनावरण किया। इस मौके पर सावनलाल जाट ने कहा कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है एटीएम कार्ड का हर इंसान के पास होना, क्योंकि एटीएम कार्ड के जरिए व्यक्ति कभी भी कहीं से भी रुपयों का लेन देन आसानी से कर सकता है, उसको अपनी जरूरत के हिसाब से काम में ले सकता है। एटीएम कार्ड के कारण व्यक्ति को रुपयों की जरूरत पड़ने पर ना सुबह तक बैंक खुलने का ना तो इंतजार करना पड़ता है और ना ही बैंक में जाकर लंबी लंबी लाइन लगाकर रुपए लेने में टाइम खराब करना पड़ता है। ये एक सुविधा है, आज के जमाने में हर बैंक की तरफ से एटीएम कार्ड की सुविधा है। कस्टमर को जितने पैसे की जरूरत होती है वो निकलवा लेता है, बाकी बैंक में पड़े रहते हैं। तो सीसीबी में ये सुविधा नहीं थी और आज शुरुआत की है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को और बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी सुविधा ग्रामीण अंचल के लोगों को मिलेगी। वहीं बैंक अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बताया कि बैंक की ओर से उद्घाटन अवसर पर 20 बैंक खाता धारकों को एटीएम कार्ड का वितरण किया गया। सेंट्रल बैंक का एटीएम भी दूसरी बैंकों की तरह सभी बैंकों के एटीएम पर कार्य करेगा। खाता धारक किसी भी बैंक के एटीएम से आसानी से रुपए निकाल सकता है। शुक्रवार को इस योजना के शुभारंभ के साथ ही बैंक 13 शाखाओं पर नाबार्ड और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर के सहयोग से स्वयं का बैंक एटीएम और एटीएम रूम को जल्द ही बनाने जा रहा है। केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जो आधुनिक समय की मांग है, ऑनलाइन और कोर बैंकिंग वाला सिस्टम हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं और इसके तहत संपूर्ण बैंक जो है सीबीआई सिस्टम से जुड़ चुका है। बिजनेस काउंसलर के रूप में जिले में लगभग 350 व्यक्तियों को बीसी बना दिया गया है और इससे ये लाभ होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग से कोई भी ग्राहक हमारा माइक्रो एटीएम हम उनको दे रहे हैं, जिससे ऑन डिमांड कॉल पे भी उनको घर जाकर के भी सेवाएं दी जाएगी और सेंटर पर भी किसान आकर के और आधार कार्ड से इसे कनेक्ट कर दिया गया है। लगभग 3.5 लाख खाते जो है किसानों के ऑनलाइन किए जा चुके हैं, केवाईसी हो चुकी है और अब भविष्य में नरेगा का, भामाशाह का और जो फसली ऋण है वो उनको उनके खातों में जो है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जब भी खाताधारक चाहेगा वो उसमें से राशि निकाल सकेगा। शुभारंभ के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान जब अजमेर को स्मार्ट सिटी के दर्जे से पहले चरण से बाहर करने का सवाल पूछा गया तो झाट फड़क गए। क्या अंदाज था उनका, आप भी देखिए। एक भाई साहब, शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने का था, लेकिन वो तो मिलने का था जैसे पहले ही घोषणा हो गई, रोज रोज ही करा हुई कहा, लेकिन वो बाहर कर दिया ना से। हर बार ही करेंगे क्या घोषणा, एक बार लेकिन दौड़ से बाहर कर दिया ना अजमेर को, तो इसने कह दिया बाहर कर दिया, नहीं किया एक बार घोषणा हो गई, 50 बार करेंगे। अजमेर जिले के अल्पसंख्यकों के लिए आज का दिन खास रहा। शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 80 बेरोजगारों को 1,21,00,000 रुपए के ऋण वितरित किए गए। सूचना केंद्र में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास संरक्षण राज्य मंत्री सावनलाल जाट के आतिथ्य में अल्पसंख्यक बेरोजगारों को ऋण राशि के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के उत्थान पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कई योजनाएं लॉन्च की हैं जिनका फायदा आमजन को जागरूक होकर उठाना चाहिए। कार्यक्रम में मदरसों को दरिया, 10 अल्पसंख्यक छात्रों को 19 लाख रुपए का शैक्षणिक ऋण भी वितरित किया गया। इस मौके पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी यूडी खान ने अतिथियों का स्वागत किया। आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा समस्त जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, जिसमें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह है, सभी को ऋण वितरण और मदरसाओं में दरी वितरण का कार्यक्रम किया गया है। उनको लोन हेतु लगभग 32 लाख रुपए की राशि की स्वीकृतियां दी गई है, जो न्यूनतम 4% के ब्याज पे उनको अपना जीवन स्तर और व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया है। इसी तरह 82 जो मदरसे हैं पूरे जिले में, उनको दरी वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है।